हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। सो फ्रेंड्स, आज क्रेजी गार्डनिंग चैनल के थ्रू जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है कि हम अपने प्लांट को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो मंथ है वो जुलाई का चल रहा है और इसके बाद अब अगस्त भी शुरू होने वाला है, और दोनों ही मंथ जो है वो प्लांट प्रोपिगेशन के लिए बून है, दान है गॉड की तरफ से। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये सोचा गया कि इन प्लांट को जो है प्रून किया जाए। तो इनको प्रून करके हमें फेंकना नहीं है बल्कि इनकी कटिंग्स को हमें ग्रो करना है। तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम अपने गार्डन की एक शॉर्ट विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट में आउट ग्रोथ हो रही है, उसी प्लांट की कटिंग को आज हम लेते हैं और अपने गार्डन में उन प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि हम उनको सिर्फ अपने ही गार्डन में रखेंगे, हमारे वो फ्रेंड्स जिनको प्लांट का बहुत शौक है और वो अपने घर पे प्लांट रखना चाहते हैं बट उनको प्लांट कहीं से मिल नहीं पा रहे, तो आज हम वो प्लांट उन्हीं को दान करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि अगर आपके पास प्लांट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इस तरह की कंडीशंस में आप किसी भी पार्क में जाके प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है प्लांट को ग्रो करने का, एनवायरनमेंट को सेव करने का। तो आप बने रहें मेरे साथ और मेरे गार्डन की एक शॉर्ट विजिट में आप भी हिस्सा लें, और साथ ही साथ ये काम आप अपने गार्डन में भी करें। प्लांट निकले वो आप लोगों को डोनेट करें, आप एक्सचेंज प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे प्लांट जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों से ले लें और अपने यहाँ के प्लांट जो दूसरों के पास नहीं है वो उनको दे दें, तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए बने रहें मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी आप कर सकते हैं। और हाँ, आज मेरे गार्डन में थोड़ा सा बटरफ्लाइज भी उड़ रही हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो कोई भी प्लांट कटिंग लेने से पहले हम सबसे पहले जो टूल है उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से सरफेस स्टरलाइज करेंगे। अगर आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है तो आप कोई भी हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए आप ये कि डायरेक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसे डालें। मेरे पास कॉटन नहीं है इसलिए मैं कॉटन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम प्लांट की कटिंग लेते हैं, तो चलिए मेरे साथ चलिए और देखते हैं एक शॉर्ट विज़िट अपने गार्डन की। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं मोगरा की मोतिया वेराइटी है, बहुत ही खूबसूरत वेराइटी है, और इसकी जो कटिंग है वो मैंने नोड वाले पोर्शन से ली है। नोड वाला पोर्शन फ्रेंड ये पोर्शन होता है, ये वी शेप आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रांच दिखाई दे रही है और यहाँ से ये क्या होता है रूट भी जैसे डेवलप हो रही है। यहाँ देखें फ्रेंड आप, ये रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये इसमें रूट भी अच्छे से दिखाई दे रही हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा ये प्लांट जो है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ही प्लांट है मेरे पास और इसको मैं फ़र्दर प्रोपेगेट करूँगा अपने खुद के गार्डन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ और देखते हैं कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको हम फर्दर कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है मेरे गार्डन में ये क्वीन पोथोस, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी फर्दर मल्टीप्लाई कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लटक रही हैं, तो इसकी भी एक ब्रांच लूँगा और इससे मैं मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर लूँगा। ब्रांच मुझे ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें ये रूट हो, तो चलिए मैं इसको भी काट लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्वीन पोथोस भी आ चुका है, और बढ़ते हैं अब अपने किसी नेक्स्ट प्लांट की तरफ और देखते हैं कि उसको भी किस तरह से प्रोपेगेट करना है। प्लांट है ये रबर प्लांट, ये भी बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसकी जो ये वाली ब्रांच है ये कुछ मुझे आउट ग्रोथ सी दिख रही है, मतलब ये अलग से लग रही है और ये पॉट में ना अच्छी भी नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इससे भी मैं एक नया प्लांट इस्टेब्लिश कर लूँगा। देखिए तो अब हमारे पास ये तीन प्लांट हो चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है नाग चंपा का प्लांट और मेरे गार्डन की काफ़ी शोभा बढ़ा रहा है, तो इसकी भी हम कटिंग लेते हैं। और इसकी कटिंग लेने के लिए हालांकि मैं सीज़र का यूज़ नहीं कर रहा, इस शियर और प्रूनर का मैं यूज़ करूँगा क्योंकि इसका जो स्टेम है थोड़ा मोटा है जो कि सीज़र से नहीं कट पाएगा। तो चलिए इसकी भी हम ब्रांच लेते हैं, इसकी हम छोटी सी ब्रांच लेते हैं और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा फ्रेंड, ये वाला पोर्शन में इस तरह का ये स्टेम लिया है नाग चंपा का, इसको भी हम प्रोपेगेट करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ और देखते हैं कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट ये बोगनवेलिया का प्लांट है, इसके भी कई वेरिएंट्स मेरे पास हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हैं, तो हालांकि मुझे बोगनवेलिया की अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोस्टली कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, हर तरह की वेराइटी है मेरे पास, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको प्रोपेगेट करना चाहिए।
बात यह है कि बोगनवेलिया बहुत ही आम सा पौधा है और इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी कटिंग नहीं लगाने जा रहा क्योंकि मेरे पास जो स्पॉट की अवेलेबिलिटी है वो कुछ कम है प्रोपेगेट के लिए, तो मैं उन्हीं पौधों को लगाऊंगा जो मेरे पास कम है और जो रेयरली ही मिल पाते हैं। ये पोथोस का एक दूसरा वेरिएंट है एन्जॉय पोथोस, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लैगिंग्स हो गई हैं। अगर आप ये देखें तो काफ़ी ज़्यादा लैगिंग्स दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी दूर के बाद जाके इसमें पत्तियाँ नज़र आ रही है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको प्रून कर देता हूँ इस प्लांट को, और इसकी कटिंग्स को भी मैं ले लेता हूँ। तो जो प्रून है मैं यहाँ से इसको प्रून कर लेता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, और इसकी बाकी इंडिविजुअल लीव्स को मैं ग्रो करूँगा एज अ इंडिविजुअल प्लांट। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो टोटल प्लांट है मेरे पास, ये 5 प्लांट हैं जिनकी कटिंग मेरे गार्डन से आ गई है। अब हम इन्हीं को प्रोपेगेट करेंगे। अब इन प्लांट में कौन कौन से हैं, एक ये आपका क्वीन पोथोज है, एन्जॉय पोथोज है, और ये नाग चंपा की एक वैरायटी है, और ये रबर प्लांट है डार्क वैरायटी वाला, जो शॉर्ट हाइट वाला जो रबर प्लांट आता है ड्वार्फ वैरायटी वाला वो, और ये मोतिया वैरायटी है मोगरा की। तो चलिए अब हम इनको पॉट में प्रोपेगेट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड मेरे पास ये पॉट है जिसमें मेरा एक प्लांट ख़राब हो गया था, तो उसकी मिट्टी ऑलरेडी भरी हुई है। इसी पॉट को मैं 3 प्लांट प्रोपेगेट करने के लिए यूज़ करूँगा। वो कौन कौन से प्लांट हैं, एक नाग चंपा का प्लांट है, और एक मोगरा की मोतिया वैरायटी है, और दूसरा रबर प्लांट है। तो इसको प्रोपेगेट करने के लिए जो सॉइल मिक्सचर था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक से वो वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल प्लांट प्रोपेगेट करने के लिए सिंपली हमें इसमें एक होल बना देना है, और इसी होल में हमें प्लांट को जो है वो लगा देना है। सिंपल करना कुछ नहीं है, मोगरा वैरायटी है इसमें, ये मैं मोगरा वैरायटी डाल रहा हूँ, ये मेरी मोगरा की मोतिया वैरायटी जो है वो मैंने प्रोपेगेट कर दी। इसी में जो छोटा सा कॉलम बचेगा वहाँ पर मैं ये जो हमारे पास रबर प्लांट है, इस रबर प्लांट को भी मैं इसी में ही इसी के साथ ही प्रोपेगेट करूँगा। जब तक कि इसमें रूट नहीं आ जाती ये प्लांट इसी में रहेंगे, रूट आने के बाद इन प्लांट को मैं इनके इंडिविजुअल पॉट में शिफ्ट कर दूँगा। अब इसके बाद में यहाँ नाग चंपा भी लगा दूँगा, ये नाग चंपा भी फ्रेंड मैंने लगा दिया। 3 प्लांट तो यहाँ प्रोपेगेट हो गए। रहा मनी प्लांट वगैरह, वो किस तरह से प्रोपेगेट करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ। तो फ्रेंड ये पोथोस लगाने के लिए मैंने हर एक लीव्स को इस तरह से कट किया है कि हर एक लीव्स के साथ में एक रूट नोट्स आ जाए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और ये एक लीव जो है बड़े होकर के एक इंडिविजुअल प्लांट बनेगा। बस ध्यान ये रखना है जब भी आप लीफ को काटें तो उसमें एक इस तरह से रूट नोट ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली लीफ में कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखें इसमें बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है रूट नोट्स। तो बस इसी तरह से काटना है, और दूसरे वाले प्लांट मनी प्लांट को जो एन्जॉय पोथोस था उसको भी मैं इसी तरह से काटता हूँ, और फिर आपको लगा के बताता हूँ कि किस तरह से लगाना है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरह के पोथोस को प्रोपेगेट कर लिया है, और 2 महीने के बाद ये इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाएगा। राइट टाइम है, इस टाइम आप भी अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय।